नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशन स्टडीज़ में। तो आज हम लोग बात करेंगे सम शॉर्टकट कीज़ जो कि जीमेल में यूज होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब होता है कि अगर हम लोगों को किसी को एक न्यू ईमेल सेंड करनी है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी, आर्चीव एन ईमेल। इसका मतलब होता है कि कोई भी ईमेल अगर हम लोग किसी से हाइड करना चाहें, कोई ना देख सके, तो हाइड ईमेल हाइड करने के लिए हम लोग कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर कोई ईमेल हम लोगों ने कंपोज की और उसको किसी से सेंड करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद कोई ईमेल अगर सेव करनी है तो उसके लिए कंट्रोल एस, और इनबॉक्स को रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल यू का यूज करते हैं। एंड सेलेक्टेड कन्वर्सेशन के ओपन करने के लिए राइट एरो का यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल कंप्यूटर में भी सभी फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज होता है, एंड साइड मेनू को ओपन करने के लिए कंट्रोल एम यूज होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हमें ईमेल से कोई भी हेल्प या फीडबैक देना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी ईमेल का रिप्लाई करना है या सारे लोगों को रिप्लाई करना है तो कंट्रोल आर का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी ईमेल अनरीड है यानी अभी आई हुई है जो देखी नहीं है, तो कंट्रोल आई से उसको रीड कर सकते हैं। और रीड की हुई ईमेल को अगर अनरीड करना है तब भी कंट्रोल आई का ही यूज किया जाता है। और जैसे नॉर्मल हम लोग कंप्यूटर से जानते हैं कि कंट्रोल पी जो होती है वो प्रिंट करने के लिए यूज होती है, वैसे ही जीमेल में भी यही सेम क्राइटेरिया रहता है। तो आज की वीडियो में इतने ही शॉर्टकट की ही बतानी है। तो इसी के साथ एंड करेंगे एक थॉट के साथ कि इफ़ यू वॉन्ट टू बाय थिंग्स विदाउट लुकिंग एट द प्राइस, वर्क विदाउट लुकिंग एट द क्लॉक। थैंक यू सो मच, सो कीप अपडेट ऑन माई चैनल।